नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आई नजर डालते हैं चाईबासा यानी कि झारखंड की खबर पर। चाईबासा के सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए डे केयर सेंटर और झारखंड के पहले मॉडल टीकाकरण एवं एनएमसी केंद्र का आज झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने लोकार्पण किया। दोनों केंद्र के लोकार्पण के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, जिला परिषद के अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि झारखंड सरकार पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, वैसे लोगों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। अगस्त महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। मंत्री ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल को व्यवस्थित करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। धीरे धीरे काफी हद तक सुधार हुआ है, व्यवस्था बेहतर हुई है। डे केयर सेंटर और मॉडल टीकाकरण एवं एनएनसी केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि जिले में टीकाकरण और एएनसी को बेहतर सुविधा के लिए केंद्र को स्थापित किया गया है। झारखंड में यह अपने तरह का पहला केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसी की तर्ज पर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले की टीम ने इस व्यवस्था को शुरू किया है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण चक्र तैयार किया है, जिससे टीकाकरण का कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरे झारखण्ड राज्य में ये जो मॉडल पीछे आप देख रहे हैं, मॉडल टीकाकरण और एनसी सेंटर, ये हम लोगों को शर्फ हासिल हुआ कि यहाँ पर शुरू करें और कोशिश करें ये सभी सीएचसी में इसी तरह का मॉडल इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण और एनसी केंद्र बने। साथ ही साथ वो जो आपने देखा कि वो जो चक्र था एनसी का और इम्यूनाइजेशन का, वो भी पहली बार है जिसको डिफरेंट स्टेट्स में लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज बहुत हैं, तो हम लोगों को लगा कि ज़रूरत पड़ा कि यहाँ के जो मरीज़ हैं, गरीब जनता है जिनको बहुत दूर जमशेदपुर भेजना पड़ता है उस फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को, तो कोशिश किया कि यहाँ पर भी डे केयर सेंटर एक बन जाए सदर हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को जाने की जो तकलीफ है, आने जाने में जो खर्च होता है वो नहीं होगा। इतनी नज़दीक में है तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज कर सकेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस एनसी सेंटर और रूटीन इम्यूनाइजेशन मॉडल सेंटर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और सदर हॉस्पिटल में इसी तरह अच्छा से अच्छा सुविधा उपलब्ध हम लोग करा सकें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उसको हम धरातल तक पहुंचा पाए। थैंक यू वेरी मच सर। ये पहली बार क्या है सर, ये एनसी चक्र और टीकाकरण चक्र क्या पहली बार? आप एनसी चक्र को अगर देखेंगे, एनसी चक्र को अगर देखेंगे तो आपने देखा उसको, उसमें अगर सपोज जुलाई 30 को बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा वैक्सीनेशन, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो जीरो डोज है वहाँ मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उसको 1.5 महीना में कौन सा वैक्सीन मिलना चाहिए। देखिए, अगर सपोज एग्जाम्पल लीजिए एएनसी, ये बच्चा जो है 30 मतलब जनवरी के 30 तारीख को जन्म लिया सपोज, तो उसको पोलियो बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ेगा जीरो डोज पे। फिर आगे बढ़िएगा तो 1.5 महीना कब आएगा, कौन सा तारीख को आएगा, तो इसमें कौन सा टीका पड़ेगा आपको। उसी तरह 2.5 माह में कौन सा टीका पड़ेगा, 3.5 माह में कौन सा पड़ेगा, और इसी तरह सारा कुछ है। और पीछे में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आपका वैक्सीन का, तो ये हर एएनएम के पास और हर सैया के पास है, ताकि उनको फ़ायदा हो सके कि इनको कब बुलाना है, ताकि ड्यू लिस्ट तैयार करने में उनको फ़ायदा हो। सर ये अपने जिला से ही शुरुआत है इसका प्रारंभ पूरे झारखंड में? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो टीम है उनकी मेहनत का वो है, उन्हीं लोगों ने इजाज़ किया है, तो उन्हीं लोगों ने बताया, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन लोगों की मेहनत सामने आई और एक अच्छा चीज आ पाया ताकि लोगों को फायदा हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 न्यूज के साथ।